उनके परिवार लोग हैं वो अभी कहीं पे कोई शक जाहिर नहीं किए हैं, इसलिए हम लोग हर एक बिंदु पर ये जांच कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है और जिला की डीआईजी टीम भी घटनास्थल पर आ रही है। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बड़ी खबर नवादा से, जहां पकरी बराव के बुधौली के मुखिया को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। बिहार में फिलहाल ही एनडीए की सरकार बनी है और एनडीए की सरकार जब नहीं थी तब जो है विजय सिन्हा जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो कहते रहते थे कि बिहार में जंगल राज है, आए दिन लोगों की हत्या हो जाती है, आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, आए दिन पुलिस के नाक के नीचे कोई किसी को गोली मार देता है, कोई किसी का अपहरण कर लेता है। और अब देखिए जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नवादा से वो ये है कि दिन दहाड़े एक मुखिया को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई और ये पूरा मामला नवादा का है। दरअसल नवादा के पकरी गांव का ये पूरा मामला है जहां पुलिस ने जो है वो अब जांच में जुटी हुई है, हत्या कर दी गई है एक मुखिया की। पूरी जो खबर क्या है वो हम आपको अगर बता दें तो देखिए दरअसल बुधौली गांव से जुड़ा ये पूरा मामला है जहां अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए बुधौली पंचायत के मुखिया पप्पू मांझी की गोली मारकर हत्या कर दी है। मुखिया को हत्यारों ने सर पर गोली मारी है। बताया जा रहा है कि मुखिया अपनी नानी के ससुराल में रहता था। मृतक की मौसी सास कारी देवी ने बताया कि उन्हें कोई संतान नहीं है, जिसके कारण मुखिया पप्पू मांझी अपने में ही रहता था। देर रात्रि को 9 बजे वो हर दिन की तरह घर से निकले और रात पर भर घर वापस नहीं आ सके। असल मृतक पप्पू मांझी जो है वो बुधौली पंचायत के वर्तमान मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस जो है वो घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है और इस कांड में जो भी दोषी होंगे उसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा, पुलिस त्वरित कार्रवाई करने की बात करे। तो देखिए बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तब एनडीए वाली जो सरकार वो लगातार खासकर बीजेपी के तमाम नेता ये कहते थे कि बिहार में जंगल राज हो गया है, बिहार में गुंडा राज हो गया है, बिहार में जनता का राज नहीं है, पुलिस के सामने ही कोई किसी को उठा लेता है, कोई किसी को मार देता है। अब जब एनडीए की सरकार बन गई है तो तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं कि बिहार में ये कौन सा मंगल राज जहां वकीलों की सरेआम हत्या कर दी जाती है, जहां दो बहनों को मार दिया जाता है, महिला को चाकू गोद कर उसकी हत्या कर दी जाती है। और अब इसी सबके बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो नवादा की है जहां एक मुखिया को जिनका नाम पप्पू मांझी है जो अपने नानी के घर रहते थे, बीते रात की ये पूरी घटना है जब पप्पू मांझी जो है वो अपने घर नहीं लौट सके, उसके बाद सुबह सुबह ये खबर आती है कि किसी ने उनकी हत्या कर दी। हालांकि इस हत्या के पीछे की वजह क्या है ये अभी भी पता नहीं चल सका है। पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जो कुछ भी इस पूरे मामले से लेकर के जो अपडेट निकल कर सामने आएगा उसके साथ हम हाजिर होंगे। फिलहाल आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं घटना और तत्काल पुलिस के द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। हम लोग जांच कर रहे हैं, बहुत जल्द अपराधी को गिरफ्तार कर ली जाए। क्या लग रहा है सर कि मतलब अभी तक कुछ आप लोग का अभी तक कारणों प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, जैसे कि उसके जो भी फैमिली के उनके परिवार लोग हैं वो अभी कहीं पे कोई शक जाहिर नहीं किए हैं, इसलिए हम लोग हर एक बिंदु पर ये जांच कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है और जिला की डीआईजी टीम भी घटनास्थल पर आ रही है। हम लोग बहुत जल्द घटना को उद्भेदन कर लेंगे और इसमें जो भी संबंधित होंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर ये कोई चुनावी रंजिश वगैरह तो ऐसा अभी वैसा उनके परिवार के द्वारा तो नहीं बताया गया है। हम लोग इस बिंदु पर भी जांच कर रहे हैं। कब ये घटना हुई थी सर, ये मतलब रात को या सुबह? जैसा कि उनके परिवार बता रहे हैं कि रात में उनके मोबाइल पे कॉल आया था करीब 10 बजे के आसपास, उसके बाद वो घर से निकले हैं, सुबह सुबह उसका डेड बॉडी पाया गया।